नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा नाथद्वारा क्षेत्र में, हाँ दोस्तों, राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा क्षेत्र में गणेश टेकरी नामक स्थान पर स्थित है। इसका लोकार्पण 29 अक्टूबर 2022 को जो प्रसिद्ध कथावाचक है हमारे मुरारी बापू, उनके द्वारा किया गया। इस लोकार्पण महोत्सव पर योग गुरु बाबा रामदेव, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उदयपुर के राजघराने के राजकुमार लक्षराज सिंह जी, नाथद्वारा क्षेत्र के विधायक श्रीमान सीपी जोशी साहब और कई अधिक माननीय गण वहां पर उपस्थित थे। इस लोकार्पण महोत्सव को 9 दिन का बनाया गया है। इस 9 दिन के महोत्सव में हमारे प्रसिद्ध कथावाचक मुरारी बापू जो रामचरितमानस की कथा कर रहे हैं, इसके बीच ही कई रात्रि में जो प्रोग्राम रखे गए थे उसमें हंसराज रघुवंशी, कैलाश खेर, कुमार विश्वास और सिद्धार्थ रंदेड़िया जैसे कई कलाकार यहां पर आने वाले थे, जिसमें से 2 नवंबर को सिद्धार्थ रंदेड़िया ने बहुत ही सफलतापूर्वक बहुत ही रोमांचक यहां पर प्रोग्राम किया। उसके बाद आता है 3 नवंबर को हमारे आए हंसराज रघुवंशी ने बहुत ही धमाकेदार प्रोग्राम किया था। लेकिन दोस्तों, इसी प्रोग्राम पर बहुत सारी भीड़ उमड़ पड़ी थी हंसराज रघुवंशी को देखने के लिए, उनके भजनों को सुनने के लिए, उनकी भक्ति को सुनने के लिए। लाखों में नाथद्वारा में इतना लोग आ गया था कि वहाँ पर पुलिस प्रशासन भी बिल्कुल परेशान हो चुकी थी। पूरा रोड पर जाम लग गया था, वहाँ पर इतनी भीड़ लग चुकी थी, कई लोग घबरा चुके थे। पूरा जो NH नेशनल हाईवे 8 है पूरा जाम हो गया था, पूरा ट्रैफिक लग चुका था। फिलहाल तो अभी यही कारण बताया जा रहा है कि आगे के प्रोग्राम कैंसिल होने के या एक बार रद्द होने के। विश्वास स्वरूपम पेज से जो हमें जानकारी मिली उसके हिसाब से तो कहा गया था कि इन प्रोग्राम आगामी दिनों में कराया जाएगा, लेकिन उसका अभी तक कोई फिक्स नहीं है। कवि कुमार विश्वास और कैलाश खेर के जो प्रोग्राम थे उनको रद्द कर दिया गया है। क्या आपको बताया था पहले कि स्टेचू ऑफ बिलीव की ऊंचाई 369 फीट है, जो विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है। इसका जो निर्माण है वो मिराज ग्रुप के फाउंडर रतन जी पालीवाल जी ने कराया है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कुछ अभी एक विवाद भी चल रहा था इस प्रतिमा से संबंधित। वहाँ कई संत थे जो इसका विरोध कर रहे थे कि जो शिव प्रतिमा पर ऊपर जाने का रास्ता है, ऊपर लोग जाकर वहाँ का जो दृश्य देख सकते हैं, जो 369 फीट मतलब सर पर भी है, कंधे पर भी जा सकते हैं, तो वो जो अंदर लिफ्ट से जा सकते हैं, वहाँ पर क्या है वो जूते पैर कर जा रहे थे। तो कई संतों का विरोध था कि वहाँ पर जूते पैर कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे राजस्थान में, हम जब भी मंदिरों में जाते हैं तो मंदिरों में भगवान की जो प्रतिमा होती है वो कहाँ होती है, मंदिर के अंदर, छोटा मंदिर होता है उसमें होती है। फिर भी हम पूरे मंदिर के बाहर जा चंपल खोल कर जाते हैं, यहाँ पर तो मूर्ति के अंदर ही या मूर्ति के ऊपर ही जूते पैर कर जा रहे हैं, तो ये गलत बताया जा रहा है। और दोस्तों, मेरे हिसाब से ये गलत भी है, इस पर सोचना चाहिए, वो इस पर थोड़ा बैंड लगाना चाहिए कि जो भी ऊपर जाए वो जूते वूते खोल कर जाए। बाबा हंसराज रघुवंशी जब शिव महादेव जी की प्रतिमा के ऊपर गए थे तो देखिए उनके पैरों में चंपल नहीं थे। इनसे कुछ सीखिए और जूते पैर कर ऊपर मत जाइए।